हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या कहा जाता है। इस बार की हरियाली अमावस्या बहुत ही खास थी क्योंकि इस दिन सावन का दूसरा सोमवार भी था, साथ ही इस दिन सोमवती अमावस्या का भी संयोग बना है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर संस्था जीत जागृति सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा वृक्षारोपण कर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संदेश दिया गया। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैठमा में भी अमावस्या पर महिलाओं ने पीपल वृक्ष की पूजा कर उसकी परिक्रमा की व सुख समृद्धि की कामना की, साथ ही पूजन कर सोमवती अमावस्या की कथा को श्रवण किया। सावन के महीने में कावड़ यात्रा का भी विशेष महत्व होता है। शिव भक्त अपने कंधों पर कावड़ उठाकर मीलों पैदल चलकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और इसमें सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखना और शिव जी की विशेष पूजा और अभिषेक करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। 17 जुलाई सावन महीने के दूसरे सोमवार को बैठमा के समस्त शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ अल सुबह से ही बनी रही। वहीं बैठमा नगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में भी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही, जहां श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका व लंगर चखा। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। यह सोमवार बड़ा ही मंगलकारी, आनंददायी है, सुखदायी है। भगवान को, भोलेनाथ को जल का अभिषेक, दुग्ध का अभिषेक, गन्ने के रस का अभिषेक, पंचामृत का अभिषेक, ये सभी अभिषेक भगवान शिव के मानव जीवन के लिए बड़े मंगलकारी हैं। और यही बताया है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है हाथों में, तो भगवान भोलेनाथ को सिर्फ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम यह महामंत्र, विजय मंत्र भगवान को अगर सुना दो तो भी भोलेनाथ को सब चीज़ अर्पण हो जाती है। दूध, दही, पंचामृत, पुष्प, फल, बिलपत्र, सभी औषधियाँ भगवान को अर्पित हो जाती है इस महामंत्र से। ये महामंत्र की ध्वनि बाबा के दरबार में कई समय से चली आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।